नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एसएन न्यूज में। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें लखनऊ के लोकसभा में प्रदेश के सभी जोन के ऊपर सीनियर पुलिस के साथ बैठक की है। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि अयोध्या मामले के फैसले को लेकर अलर्ट रहें। इस फैसले की खुशी होने वाले लोग और जो निराश होंगे वो घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो उन पर गौर से नजर रखें। सीएम ने कहा है कि इसके लिए थाने स्तर पर पीस कमेटियों का गठन करना, अभी दोनों पक्षों के लोगों की बातचीत और आपस में भाईचारा को पारित किया जाए। थाने स्तर पर अपनी तैयारी अभी से शुरू कर ले, अलग अलग समूह के साथ बैठक करें, अधिकारी अपना खुफिया तंत्र मजबूत करें। साथ ही सीएम योगी ने कश्मीर में अनुच्छेद 270 खत्म होने के बाद अराजकता फैलाने वालों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है। एकत्रित ट्रैफिक कमांड सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। हाल ही वर्षों में अपराध की प्रवृत्ति बदली है, पुलिस को भी उसके अनुसार बदलना होगा। इसके तहत हर रेंज में साइबर थाने बनेंगे और इन थानों में फॉरेंसिक लैब की कैंपस भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराध के साथ भ्रष्टाचार पर भी सरकार का रवैया जीरो टॉलरेंस का होगा। पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया तभी बदलेगा जब थाने में उनको इंसाफ मिलेगा। एक बार ऐसा होने लगे तो पुलिस को लोग मित्र और मददगार समझेंगे, लोग आगे बढ़कर पुलिस के साथ सहयोग करेंगे तो अपराध खुद ब खुद न्यूनतम स्तर पर आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एडीजी अपने अपने जिलों के पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखें, अगर कोई गलत है तो उसके बारे में शासन को रिपोर्ट भेजे। योगी ने कहा है कि जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको चेतावनी दे और संदिग्ध चरित्र के लोगों को छुट्टी कर दे। हाल ही में पुख्ता परिणाम मिलने पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, कई ऐसे लोग रडार पर भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज 3 तलाक पीड़िताओं में से भी कुछ महिलाओं ने थाने पर शिकायत की है। वाहन चेकिंग के दौरान भी लोगों को बेवजह परेशान करने की शिकायत मिल रही है, ऐसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। नेपाल के सटे सीमावर्ती जिलों में गौ तस्करी की घटनाएं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाएं। फिलहाल राम मंदिर के फैसला आने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या सचमुच राम मंदिर के फैसला आने के बाद अराजकता फैलाने वालों की संख्या बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ेगी, क्या राज्य में सुरक्षा नियंत्रण रहेगी कि नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आशीष झा, एसएन न्यूज़, धन्यवाद।